एक्सरसाइज किया जाता है और ये किसी भी किस्म की किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टीम की प्रोडक्टिविटी को डबल करने के लिए बेहतर करने के लिए हमेशा इस साइंस के ऊपर जो है वो जोर दिया जाता है। द बैड न्यूज़ वो जो लिखा है द बैड न्यूज़ इज टाइम इज लिमिटेड टाइम फ्लाइज ओके द बैड न्यूज़ इज द टाइम फ्लाइज और द गुड न्यूज़ इज यू आर द पायलट मतलब पूरी खबर है कि टाइम जो है वो तेजी से गुजर रहा है लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब अपने हिसाब से उसके पायलट हैं और हमारे हिसाब से ही गुजरेगा जैसा कि टाइम जो है वो गुजारेंगे। टाइम बट इस टाइम मतलब एक स्पेसिफिक जो एक हमारा पीरियड है किसी भी हवाले से हमारे लाइफ के हवाले से हमारे कैरियर के हवाले से उसका एक स्पेसिफिक जो ड्यूरेशन है पीरियड है दैट इज व्हाट वी कॉल टाइम। इट इज मतलब इसको हमने साइंटिस्ट ने सेकंड्स के हिसाब से इसकी इकाई रखी मिनट और वीक्स देन इट बिकम्स मंथ्स एंड ईयर्स इसकी कैलकुलेशन जाहिर है बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड जैसे कोई भी चीज़ है वो एक इकाई से स्टार्ट होती है इसकी इकाई सेकंड है। जो लोग टाइम के एक सेकंड को जिस तरह हम उर्दू में एक पल को ज़ाया नहीं करना चाहिए तो एक पल इज बेसिकली द सेकंड। Importance of time, the unique source. No substitute of it. मतलब time का कोई substitute नहीं है। अगर एक बंदा जिसकी 100 साल की ज़िंदगी हो और अगर उससे पूछा जाए कि आपने कितना time गुजारा तो शायद the person will have उसको impact नहीं होगा इतना कि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजार दिया। और अगर कदर बंदा मरने वाला हो उससे पूछा जाए कि आपको सबसे कीमती चीज़ क्या है So that is the time he will have, will like to have more time. Iska koi substitute ho nahi sakta. Matlab jaise it's like an ice, ki jaise barf pighalti hai aur wo pighalti rehti hai aur uska ek definite time hai. To aap wo us duran hi usko use karna hai. Us time mein agar aap use nahi karenge to wo pighal jayega. Time wasters. Trying to do everything and learning through trial and errors. तो time waste होता है वो हर एक चीज में मतलब उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना और errors के लिए it's a long term process. मतलब ज्यादातर लोग ये कोशिश होती है कि अगर मैं किसी दोस्त से सीखता हूँ लेकिन it's a long process. Errors के जरिए जो आप सीखते हैं it's a time waste. यानी अगर एक बंदा है उसने आपको बता दिया कि आगे ये गली बंद है तो हम वो उस पर यकीन करने के बजाय एक दफ़ा भी इन्वेंट हो चुका तो उसके बाद हम फिर दोबारा वही कोशिश दोबारा उसमें जाने की जरूरत करें और अपना वो टाइम वेस्ट करें तो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है अगर व्हील हैज बीन इन्वेंटेड तो देन वी हैव टू गो फर्दर फिर उसके बाद आगे जाना है। वी शुड लर्न थ्रू अदर्स एक्सपीरियंसेस अगर आपने टाइम को बचाना है हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा और दूसरों से एक्सपीरियंस सीखने की सबसे बेहतरीन चीज बुक्स हैं जो लोग लिखते हैं जो चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर वो हर बंदे में अपना एक्सपीरियंस होता है। आजकल तो खैर वीडियो बुक्स भी हैं ऑडियो बुक्स भी हैं और आपको पता चल जाता है कि वो वाला प्रोसेस जिसमें आप एक बंदा जा चुका है उसने अपना लाइफ टाइम गुजार दिया है वो कौन सा काम है जो कि आपने लिथार्जी एंड प्रोकस्टिनेशन कल करूँगा वो कहते हैं द डे अगर आप कुछ आज कर सकते हैं तो उसको कल पर मत लेके जाएं लेकिन एक एटीट्यूड है हमारे अंदर कि जैसे आज अगर हमने यहाँ मैथ सर ने काफ़ी चीज़ें सिखाई तो हम कल से अप्लाई करने के बाद जैसे ही कल आता है तो फिर हमारे अंदर एक एक सिग्नल आ जाता है कि ये कल से शुरू करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कल फिर कभी भी नहीं आता और इसी तरह टाइम पता चलता है कि साल शुरू हो गया फिर साल ख़त्म हो गया और कई लोगों को अपने करियर में 20-25 साल के बाद फिर उनको पता चलता है हमारे पास एक साहब थे सरगोधा में ब्रांच मैनेजर ईएसयू में काफ़ी अर्सा गुजार दिया उन्होंने 20 साल शायद गुजार दिए तो जब भी भट्ट साहब हमारे रीजनल मैनेजर उनके पास जाते वो उनसे जब भी बात करते तो वो कहते सर मुझे पता चल गई आज मैंने पता चल गई 20 साल के बाद
बेसिक चीज है मतलब कि उसे डिस्कस करने में ये बात मुझे पहले बताइए तो यू हैव टू टेक द टाइम और इस प्रोक्रास्टिनेशन है यानी कल से मैं स्टार्ट करूंगा वो फिर टाइम वेस्टिंग का ही सबसे बड़ा जो है वो लैक ऑफ डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली दुनिया का सबसे मुश्किल काम और सबसे आसान काम भी है मुश्किल काम इसलिए है कि इसमें कुछ करना पड़ता है डिसिप्लिन जो इनडिसिप्लिन लोगों ने कुछ भी नहीं करता अगर हम बीइंग अ ह्यूमन देखें तो वी आर बेसिकली क्योंकि जन्नत से निकाले हुए हैं तो बाय नेचर ह्यूमंस आर लेजी हम सुस्त रहना पसंद करते हैं लेटे रहना सोते रहना पसंद करते हैं कुछ ना करना हमें अच्छा बट दिस इज द लग्जरी व्हिच वी वांट और डिसिप्लिन ये है डिसिप्लिन में हमें कुछ करना पड़ता है और टाइम वेस्टिंग में सबसे बड़ी जो चीज है दैट इज द लैक ऑफ डिसिप्लिन कि हम अपने डिसिप्लिन कोई भी चीज जो है उसको डिसिप्लिन वे में ना करें और कुछ चीजें हम कर रहे होते हैं यानी वो डिसिप्लिन में आती नहीं है वो गैर जरूरी चीजें होती हैं और उनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती बट क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं है इसलिए हम उसको कंटिन्यू रखते हैं ये बहुत पुरानी एग्जांपल है टाइम बैंक कि अगर आपको ऐसा अकाउंट हो आपका कि आपको 86,400 रुपए ट्रांसफर हो जाए और आपको पता चले कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर यानी एक टाइम के अंदर उनको यूज करना है और अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे यार इससे तो बेहतर होगा ऐसे छोड़ दें ऐसे वाला ऐसा चीज तो हम कुछ 86,400 रुपया अगर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो अभी सबके अकाउंट में और हमें पता हो कि ये एक खास इतने टाइम के इतने अरसे के इतने ड्यूरेशन के बाद वो खत्म हो जाएगा हमारा गैर क्या होगा जो एटीट्यूड होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर लें और क्योंकि अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो फिर जीरो हो जाएगा दिस इज़ द टाइम बैंक विच एक्चुअली वी गेट एवरी डे 86,400 सेकेंड्स जो कि हमें मिलते हैं और फिर हम उनको इधर वी यूज़ इट वी इन्वेस्ट इट टाइम में या तो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम वेस्ट कर रहे हैं तीन कैटेगरीज या तो आप इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट क्या करते हैं कि आप कुछ चीज़ सीख लें जैसे अभी हम बैठ के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं जैसे आप कोई लर्निंग प्रोसेस के अंदर अपनी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक है दैट इज ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम एंड द वेस्टिंग इज दैट इफ यू आर प्रोक्रास्टिनेशन अगर आपके अंदर है और आपको सब कुछ पता है लेकिन आप वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा डिसिप्लिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा एक्शन और डिसिप्लिन के बाद बेसिकली एक्शन होता है इल्म का होना कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है मतलब आजकल इल्म गूगल पे आप कभी भी कोई भी चीज़ डालें आपको पता चल जाए एक अगर पाँचवीं क्लास का बच्चा है मेरा बेटा थर्ड में है तो उसके पास भी गूगल की वही इन्फॉर्मेशन है जो शायद एक PhD वाले बंदे के पास वी आर लिविंग इन दिस बेसिकली एरा जो कि इंफॉर्मेशन का एरा है वो जो इल्म है वो बेसिकली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन उसमें प्रैक्टिकली जब तक नहीं होता यानी इल्म जब तक अमल में कन्वर्ट नहीं होता उसका कोई फ़ायदा नहीं होता नदीम साहब ने आज हमें ट्रेनिंग करवाई यहाँ पर हम दो दिन बैठे रहे हैं कुछ ट्रेनिंग करते रहे हैं लेकिन जब तक वो नॉलेज हमारा अप्लाई नहीं होगा उसका फ़ायदा नहीं शायद आपने अगर इकबाल की एक माशाल्लाह सेंग है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जन्नत बनती है तो वो इल्म अमल में कन्वर्ट ना होने की बेसिक रीज़न है क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि क्या वजह है कि कोई भी इल्म या नॉलेज मतलब हमें पता है कि हम अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा दोज़ख में जाएंगे सबको पता है अगर हम ये सिगरेट पी रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे लंग्स कैंसर होगा या कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमारी इंफॉर्मेशन में आती है कि ऐसा करेंगे तो ये होगा जैसे अभी बता रहे थे कि एक साहब ने 10 मिलियन कमाया तो वो हर इंसान को एक ये काम पता होता है कि ये करेंगे तो ये होगा फिर वो करता क्यों नहीं क्वेश्चन इज व्हाई वी डोंट डू इट लैक ऑफ इंटरेस्ट भी पीछे कोई रीज़न हो गया इंटरेस्ट तो पैदा होने से पहले कुछ चीज़ होगी सोचता है कि कर लेंगे नहीं सर वो अफसर बन जाता है इसलिए वो नहीं करता सुबह कर लेंगे कि पीछे को रीजन होगी अच्छा एक आज मैं आपको ना सॉरी सुस्ती
सुस्ती के पीछे भी एक रीज़न है सर, वो अपने उस ऑब्जेक्टिव से क्लियर नहीं है बेसिकली, अगर क्लियर हो तो फिर उसको स्टार्ट कर ले, जब उसने प्लान किया था उसने स्टार्ट नहीं किया, मेरा ख्याल क्लियर नहीं होगा उसका गोल नहीं होगा ना। हाँ गोल ये लफ्ज़ अपनी तमाम तक कोशिश कर, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट माइंडसेट कोशिश इज द मेन फैक्टर। ठीक हो गया आपकी बात ठीक है, लेकिन वो कोशिश ही तो नहीं करते हम, नहीं जब आप कोशिश करेंगे एक चीज मुझे पता चल गई कि ये इसको आप अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे, आप 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करेंगे, आप ये वाले खाना खाएंगे, एन एप्पल अ डे के चीफ डॉक्टर हुए, फिर मुझे इतनी 2 अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, मुझे 2 इंटरव्यू डेली करने चाहिए, ठीक है ये करेंगे तो मेरा ये होगा, ये सबको पता होगा, यानी ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको जब पता हो, तो वो होता क्यों नहीं है। अच्छा चाहते भी सर ऐसा भी नहीं है, देखिए जो मकसद ये है आप थोड़ा सा ना, मैं वो मेरा वो टाइम ख़त्म हो गया जो 5-6 मिनट थे जो शुरू के ना, वो ग्रीस पे आके जैसे ही आप शुरू होते ना हल्का करके नहीं अब आप मोमेंटम में आ गए, तो अब जो है वो जो इल्म है बेसिकली वो होता क्यों नहीं, आप करते क्यों नहीं, इसलिए नहीं करते। अच्छा ये आप आज मेरे ख्याल में दिस इज द पिक ऑफ द टुडे, अगर आज हमने ये कर लिया सीख लिया तो जो कुछ भी आज हमने सीखा जो इल्म अमल में कन्वर्ट हो गया वो फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है, सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद है, कायनात के लिए, और हमारा जिंदगी में हमारा आने का मकसद भी पूरा होगा। उसके दरमियान में एक चीज़ है और वो आज मैं आपको बता रहा हूँ, एंड दिस इज द पिक ऑफ द डे दैट इज कॉल्ड यकीन। जिस इल्म के ऊपर हमें यकीन आ जाए फिर वो अमल का ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, वो एक मोमेंट होता है। क्या बात, उस इल्म का उस इल्म को यकीन में आपने अक्सर देखा हो कई लोगों की जिंदगी ड्रास्टिकली चेंज हो, किसी एक सेकंड एक मोमेंट में कोई एक बात सुनते हैं और वो उस बात को ऊपर उनको यकीन हो जाता है। अगर आपको यकीन आ गया कि ये जो बात ये इल्म है जो मुझे बताई जा रही है ये ठीक है, इधर यू आप या तो उस सोर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं जिससे आपको वो बात पता चल रही है, या आपके अंदर से वो यकीन निकला है, तो फिर अमल में कन्वर्ट होना कोई मसला नहीं। हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है, जब तक हमारे अंदर से यकीन उन चीज उस इल्म पर नहीं आएगा तो वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं होगी। जिस बंदे के अंदर यकीन पैदा हो गया ठीक है, दैट विल मेक द डिफरेंस। यू डोंट नीड टू मच नॉलेज, कोई बहुत बड़े आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई इल्म नहीं चाहिए। अच्छा मोटिवेशन भी इज टेम्पररी, मोटिवेशन इज समथिंग, मोटिवेशन क्या करती है, मोटिवेशन इज एनर्जी इन मोशन जो चीज़ों को तेज करती है, बट इफ यू मोटिवेट सम इडियट दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर द सोसाइटी, दैट विल बी अ मोटिवेटेड इडियट। आपने कभी देखा होगा बंदा वो पागल हो और उसको मोटिवेट कर दे वो तो तबाही फैला रहे। मोटिवेशन बाद में आती है, उससे पहले उसको इल्म और उस पर यकीन से खाना बहुत जरूरी है। इंस्पायर्ड भी हो किसी चीज़ से जिसके लिए मोटिवेशन चाहिए, यस इंस्पायरेशन नहीं है तो मोटिवेशन, लर्निंग एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर यकीन का आना बहुत जरूरी है, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है। ऐसा ही है, जब एक बंदे को फॉर एग्जांपल एक बंदे को ये प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब अपने किसी एक जगह लेक्चर में बता रहे थे कि एक बंदा था वो गुजर खान के, अगर आप लोग प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब को सब जानते हैं जी 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 जी, वो कहते हैं जी एक बंदा था वो इस तरीके से उसका जब विसाल हुआ तो वो कहते हैं जी मैं गया तो फरिश्ते लेके जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक ऐसा ही जहान है और वहाँ पर वो जाते जाते तो उन्होंने जो हिसाब किताब लिख रहे थे साथ कोई एक, उन्होंने कहा इनको आप किधर ले आए, इसका तो नंबर ही नहीं था, दूसरे गए थे, कहते मैं वापस आ गया। तो बहरहाल वो कहते जब मुझे वो लेके जा रहे थे मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैं कह रहा था मुझे पानी पिला दे, तो उसने कहा नहीं इस दुनिया में किसी बंदे को पानी नहीं पिला, इसको पानी नहीं देना, कहते उस पूरे प्रोसेस में चाहे वो ख्वाब थे या हकीकत थी, कहते हैं कि वो उस पूरे प्रोसेस में मुझे प्यास लगी थी और मुझे वो जो लेके जा रहे थे वो मुझे पानी नहीं पीने दे रहे थे, कह रहे थे कि आप इसने पूरी ज़िंदगी अपने किसी बंदे को पानी नहीं पिलाया, उसको पानी
खैर जब वो वापस कहता हूँ आया उसके बाद उसने क्या किया, पूरी जिंदगी में एक कुआं खोदा मीठा और उस पर बैठ कर लोगों को पानी पिलाना शुरू किया, प्रत्येक दिन तक पानी पिलाता। उसको यकीन आ गया कि मौत के बाद वो जो थोड़ा सा पीरियड था उसमें उस प्यास की मुझे पानी ना देने की रीज़न ये थी कि मैं किसी को पानी नहीं पिलाता था, और अब उसकी ज़िंदगी का मकसद ही चेंज हो गया। द मोमेंट वी हैव मतलब एक फिर और बहुत खूबसूरत एग्जांपल है यकीन के ऊपर, तो एक बंदा किसी पीर साहब के पास जाता था एक दरिया क्रॉस करके और वो उसको कोई देते थे शिरनी वगैरह या कुछ, तो वो एक दफ़ा वो नहीं क्या कहता जी मेरा तो दरिया बहुत ज़्यादा होता है आने जाने में मसला होता है, ऐसी क्या बात है कलमा पढ़ो दरिया में से पढ़ो चल पढ़ो तो आपको रास्ता दे देगा। अच्छा कई हफ्ता गुजर गया उसने, तो जिस तरह एक मोटिवेशन देते हैं आप किसी एडवाइज़र को कैसी क्या बात है आप तीन मीटिंग करो और दे देखो कैसे रिजल्ट आता है, उसके बारे में उस पर यकीन कर लिया और कुछ अरसे के बाद कहते हैं कि वो पीर साहब दरिया के उस किनारे पर वापस आए तो आगे जो था वो किश्तियाँ वगैरह उल्टा दी थी उन्होंने जो मलाह थे, तो पीर साहब ने कहा कि अब तुम कैसे जाओगे, उसने कहा इससे कौन सा बड़ा मसला कलमा पढ़ेंगे बस कदम रखेंगे और पार चले जाएंगे, एंड ही प्रैक्टिकली दे रहे थे, लेकिन वो पीर साहब जैसे उनको बताया था उनके पास इल्म तो था लेकिन यकीन इसलिए उनको वो उधर बल्कि वो डरते रहे और वो उन्होंने क्लास नहीं किया उसको क्लास। तो दिस जो इल्म है जब इस पर यकीन आ रहा है तो ये एक्शन में कन्वर्ट होता है और फिर किसी किस्म आपको एक दफ़ा पता चला, आपको फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कह दें कि अगर आप एक घंटा डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे और 15 दिन के बाद आप मर जाएंगे, अगर आपने एक घंटा एक्सरसाइज आप और आपको उस पर यकीन आ जाएगी ये ठीक कह रहे हैं, फिर आप देखें आप किस तरीके से सुबह 5 बजे भी उठते हैं, या हमें पता चल जाए हमें इस चीज़ पर पता चल जाए कि हमने इतने अरसे के बाद हमारे साथ ये होने वाला है, जिस तरह अगर किसी बंदे को भी पता चल जाए अगर तुमने ये काम ना किया अगर मेरा फॉर एग्जांपल बेटा है या 8 साल बाद उसकी ये नीड है, या अगर हम किसी क्लाइंट को ये बता दें कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ अगर ऐसा ना हुआ तो आपके साथ ये हो जाएगा और उसको यकीन आ जाए तो फिर उसको डिसिप्लिन करने की मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत नहीं। इसलिए आप थोड़ा इल्म रखें अगर आप चाहते हैं कि अपने टाइम मैनेजमेंट को तो उस पर यकीन वाला इल्म लेके आए, ऑटोमेटिकली आपको इनडिसिप्लिन वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट, सो लाइफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद योर हैबिट्स। हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दफ़ा डेवलप हो जाए फिर वो कहते हैं कि आदत एक ऐसी चीज़ है जो कि मरते दम तक कहीं आपने सुना होगा कब्र तक आपके साथ रहती है, तो फिर इसका मतलब हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते, दिस इज़ अ बैड न्यूज़ कि हम हमारी हैबिट्स कभी भी खत्म नेचर के आपके अंदर कोई भी हैबिट अगर आ गई डेवलप हो गई आपने रिपीटेडली कोई भी काम चाहे कॉन्शियसली किया अनकॉन्शियसली किया, इसलिए कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द के 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको अगर आप 5 डाकुओं के साथ बैठ गए ना तो 6ठे डाकू आप, अगर आप 5 उलमा के साथ बैठ गए तो 6ठे आलम आप, सही कह, बिकॉज यू अनकॉन्शियसली यू विल अडॉप्ट सम हैबिट्स। बॉस के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। हैबिट्स आर ये इतनी मुश्किल चीज़ें हैं हैबिट छोड़ना, लेकिन खूबसूरत चीज़ ये है कि हैबिट ख़त्म तो नहीं कर सकते आप उसको रिप्लेस कर सकते, क्योंकि टाइम हमारे पास 24 घंटे में से 18 घंटे होते हैं 24 घंटे, आप उस टाइम के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक काम ही कर सकते, इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कोई बैड हैबिट हो जिस तरह आप फॉर एग्जांपल यू हैव टू क्विट स्मोकिंग इट्स अ बैड हैबिट, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा उसे किसी दूसरी हैबिट के साथ, अगर आपने उसको रिप्लेस कर दिया तो वो हैबिट ख़त्म नहीं होगी और कभी भी आप दोबारा, कई लोग होते हैं ना वो कहते हैं मैंने सिगरेट छोड़ दी, तो शेक्सपियर के एक कोट है स्मोकिंग छोड़ना सबसे आसान काम है मैंने 10,000 दफ़ा छोड़ी, जो हैबिट आप नहीं छोड़ सकते चाय पीना शुरू कर कुछ भी कर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं पान खा लो। अच्छा हैबिट का बेसिक फार्मूला ये है, अक्सर आपने तबलीगी जमात के साथ अगर आपका हो कॉलेज स्कूल लाइफ में तो वो ये कहते थे कि आप नमाज पढ़ना 40 दिन नमाज पढ़े ना फिर आपसे नमाज नहीं छूटेगी, जी ऐसी है सर 40 दिन वो बेसिकली इट्स अ हैबिट और कोई उसके अंदर फार्मूला नहीं,
22 दिन तक अगर आप कोई भी काम करेंगे, 22 दिन तक आप 22 दिन तक चाहते हैं कि मैं 5 बजे उठना शुरू करूं, 22 दिन तक आप रात को एक टाइम पे सोएं एक टाइम पे जागें, 23वें दिन योर बॉडी विल बी ट्यून टू दैट। और आप जब अगर आपको आप अलार्म यहां से बजे, आप हर रोज 10 लोगों को मिलते हैं फ्रेश, आप ये हैबिट डाले 22 दिन करें, ठीक है, फिर ये हैबिट जाके डेवलप होती है 66 डेज के ऊपर, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, यानी 22 पे पुख्ता नहीं होती। आपने रमजान में देखा होगा ना जैसे सुबह लोग उठने का एक टाइम होता है, लेकिन वो एक महीने के बाद जैसे ईद खत्म होती है फिर दोबारा उस रूटीन में चले जाते, पुख्ता नहीं होती। 66 डेज के ऊपर इट बिकम्स आप थोड़ा सा हैबिचुअल होना शुरू, लेकिन जो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है वो है 265 डेज, बट नॉर्मल इज 100 डेज। दुनिया का कोई काम जब तक आप ये सोचें कि मैं ये 100 दिन तक नहीं कर सकता, उसको कभी भी हाथ ना डालें। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और 100 दिन तक अपने साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, आप 100 दिन के बाद आपको वो हैबिट आपकी कब्र तक आपका साथ देगी। इट्स अप टू यू, वो चाहे हैबिट बुरी हो, अच्छी हो, प्रोडक्टिव हो, नेगेटिव हो, अब ये आप और मेरे इख्तियार में है कि वो हैबिट हम कौन सी बनाते हैं। लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली हैबिट्स अपनी डेवलप करने की मैनेजमेंट, इट्स नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, इट स्टार्ट्स विद स्लीपिंग। स्लीपिंग जो है बेसिकली हम सब कुछ है इतना आइडिया नहीं स्लीप मैनेजमेंट का। स्लीप मैनेजमेंट इज द साइंस जो आपका अगले दिन को डिसाइड करती है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वी डोंट स्लीप ऑन द टाइम जब हमें सोना चाहिए। सोने का बेसिक मकसद क्या है? नींद किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी को नींद की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे दिमाग को इसकी ज़रूरत है, मतलब योर बॉडी डज नॉट नीड स्लीप। आपको सोने की बिल्कुल एक सेकंड भी आप ना सोएं तो आपको ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे स्लीप का बेसिक मकसद क्या है? स्लीप का बेसिक मकसद ये है कि ये आपके माइंड में, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हमने गन फैलाया, रायता फैलाया, जो भी, तो इसके बाद इसको सफाई करने के लिए टाइम चाहिए। अगर यहाँ इतने डिसिप्लिन लोग बैठे हों कि जो चीज़ उन्होंने जहाँ से उठाई वहाँ पर वापस रख दी, ठीक है, कोई गिलास उठाया उसको यूज़ किया साफ करके रख दिया, तो क्या फिर इसको सफाई के लिए कोई टाइम ज़रूरत पड़ेगा? लेकिन यहाँ पर अगर आप 10 साल के बच्चों को बिठा दें तो वो उनके लिए तो शायद 2 घंटे या 10 घंटे चाहिए उसको साफ करने। स्लीप को यू जस्ट नीड स्लीप, जो आपके दिमाग में 70,000 ख्याल आते हैं, 60,000 जो माजी के, 10,000 फ्यूचर के, वो जितना आपके दिमाग में रायता फैलाते हैं पूरे दिन में, वो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो प्रेजेंट में नहीं रहता, वो नॉर्मल रहता है, वो जितना ज़्यादा मेंटली कंफ्यूज है, मैनेज नहीं है, उसको उतनी ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत है। आपने देखा होगा अक्सर बीमार लोगों को ज़्यादा नींद आती है। अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो सेहत की अलामत नहीं है। और नींद के लिए इसके लिए बेसिक, इस तरह एक बैटरी को चार्ज करते हैं आप तो रिफ्रेश करते हैं, वो सफाई का, इसको कहते हैं कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन आपने देखा होगा, क्लीन डिस्क क्लीन अप चलाते हैं, उसके बाद डीफ्रेगमेंटेशन, कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहाँ पर रख दिया। इसके लिए यू नीड अ टाइम, कायनात ने एक टाइम बनाया हुआ, वो टाइम स्टार्ट होता है डीप स्लीप का, इट स्टार्ट फ्रॉम 11 PM से लेके सुबह 6 बजे, 11 से 12 बजे तक दिस इज द प्री स्लीप टाइम, 12 बजे से लेके 4 बजे तक दिस इज द डीप स्लीप टाइम, और फिर 4 से लेके 5 बजे तक इस तक आफ्टर जो स्लीप है प्रो स्लीप वो टाइम। इन 6 घंटे के अलावा अगर आप सोते हैं तो उसका आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश नहीं होता। आप देख लें संडे को 12 बजे उठ के देखें, आप बिल्कुल फ्रेश नहीं होते। जब आप 6 बजे से लेके 9 बजे तक सोते हैं, 6 बजे से लेके 9 बजे तक अगर आप सोते हैं, तो उसमें आपकी बैटरी, अक्सर आपने देखा होगा चार्ज होने के बाद अगर चार्जर के साथ लगी रहे तो वो रिवर्स चार्जिंग शुरू हो जाती है। 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक अगर आप सोते हैं तो आपकी बैटरी दिमाग की ना चार्ज होती है ना डिस्चार्ज होती है, इट रिमेन्स द सेम। 9 बजे से लेके दिन 12 बजे तक अगर आप सोते हैं तो 25% डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। आप 12 बजे जो उठते हैं वो समझे कि -25% के साथ आप अपना डे स्टार्ट करेंगे, आपका आपकी वो दोबारा से जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। दिन 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो सोते हैं
इट क्रिएट्स योर मेंटल इलनेस। 50, 55, 60 साल में जाके वो लोग दिमागी मरीज बन जाते हैं। हमारे मजहब में कैलोला है, कैलोला डज नॉट मीन स्लीप, इट मीन्स रेस्ट, लिटिल रेस्ट फॉर फ्यू टाइम। आप नैप कहते हैं उसको, अंग्रेजी में उसको नैप कहते हैं, हमारे मजहब में कैलोला है कि आप आंखें बंद करके 2-4 मिनट का एक कैलोला या नैप ले सकते। पूरा दिन लोगों को आपने देखा होगा दवाइयाँ ले रहे होते हैं, वो कहते हैं मैं सोता भी 8 घंटे हूँ बट वो मेरी फ्रेश नहीं है। और शाम के 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये जो 5 बजे से 9 बजे है, इट इज क्रिमिनल। अक्सर आपने देखा होगा बुजुर्गों ने, हमारे माएँ जो होती थी मगरब के टाइम बच्चों को उठा देती थी अगर कोई सोया हो, ये सोने का टाइम नहीं है, ये गलत टाइम है। ये इतना गलत टाइम है कि ये आप कैंसर क्रिएट करता है अगर 5 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान में सोए। स्टार्ट मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ स्टार्ट विद द स्लीप मैनेजमेंट। जिस बंदे ने अपनी स्लीप मैनेजमेंट ठीक कर लिया, अक्सर आप में से कई लोग जो मेरे साथ रबते में, आप कहते हैं जी आपका रात को 12 बजे भी मैसेज आ रहा होता है सिर्फ 5, बिकॉज यू नीड 4 आवर स्लीप बट द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। आप किस टाइम पे क्या करते हैं वो अनबोर्ड, आपको 24 घंटे के लिए यू डोंट नीड स्लीप। आप अगर आप रात को 3 बजे सो गए और 12 बजे उठते हैं और कहते हैं मैं तो 9 बजे 2 घंटे सोता हूँ, बट यू विल नॉट बी मोर प्रोडक्टिव, ना फ्रेश होंगे आप, ना आप ज़्यादा उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा होने वाला है। आपको फ़ायदा नहीं होगा, ना आपकी कंपनी को होगा, ना मुल्क को होगा, किसी को भी नहीं होगा, और आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है स्लीप मिसमैनेजमेंट से, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ के साथ एक चीज़ एसोसिएटेड है, अगर आपकी स्लीप मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आपकी ईटिंग मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। कि आप नाश्ता भी गलत टाइम करेंगे, आप खाने लंच के टाइम जो है वो 3 बजे हो रहा होगा, रात का खाना 11 बजे हो रहा होगा, एवरीथिंग इज अटैच्ड विद अनदर थिंग। अगर आप हर रोज एक सेब नहीं खाते, मैं जिस दिन सुबह एक सेब खाली पेट नहीं खाता उस दिन मैं समझता हूँ दूसरा काम भी नहीं होगा, फिर तीसरा भी नहीं होगा, फिर आप 20 पेज पढ़ेंगे भी नहीं किताब के, फिर आधा घंटा एक्सरसाइज भी नहीं होगी, फिर आपके बाकी प्रोफेशनल कामों में भी मसला होगा। तो हर चीज के साथ दूसरी चीज एसोसिएटेड, हर चीज के साथ दूसरी चीज आ गया सर। तो इस मैनेजमेंट को स्लीप मैनेजमेंट से स्टार्ट करके देन इट बिकम्स योर ईटिंग मैनेजमेंट, ईटिंग हैबिट्स, बाकी है, और ये डोंट नीड, आप आहिस्ता आहिस्ता यू बिकम सो मच प्रोडक्टिव कि आप ये कहेंगे कि मैं अपनी एज से 10 साल पीछे फील करना शुरू हो गया हूँ। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी हवाले से, the productivity in terms of your production, आपकी mental जो health है, physical health है, emotional health है, वो 100 से multiply होकर ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आप अपनी जो time management में सबसे पहला जो चीज़ manage करने की है वो, लेकिन इसके ऊपर यकीन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कहेंगे ये बातें हैं और ये तो खैर वैसे इट्स नॉट मोटिवेशन, अगर ये मोटिवेशन है तो इसका अगर आपके दिल पर असर नहीं हो रहा हो, अगर ये सच्ची बातें हैं तो इसका आपका असर ज़रूर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल मैनेजमेंट, वो इसका कोई मतलब ये रिलेटेड विद दैट कि आप एक चीज़ ठीक करें, बाकी चीज़ें आप 5 बजे उठ के क्या करेंगे, एक बार दफ़ा 5 बजे उठेंगे क्या करेंगे, आप नमाज पढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिर आप वॉक करना भी शुरू हो जाएंगे, फिर आप जो है वो ऑफिस जल्दी पहुंचना शुरू हो जाएंगे, फिर जब आप ऑफिस 9 बजे के बजाय 8 बजे पहुंचेंगे, आई ऑलवेज रीच माई ऑफिस बाई 8:30 बिकॉज वो जो 1 घंटा मुझे मिलता है उसमें मैं वो 1 घंटा अपने वो काम कर सकता हूँ जो जब ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो गया उस वक्त वो वाले काम आप नहीं कर सकते। तो हर चीज़ ठीक होना शुरू हो जाती है टाइम मैनेजमेंट में, यहाँ एक एक चीज़ फिर आपकी, आपने नाश्ता भी ज़्यादा अगर किसी ने 6 बजे किया हो या 7 बजे किया हो तो 12 बजे वो हर सूरत में लंच करेगा और फिर उसका 6 बजे जो है वो डिनर होगा, तो उसकी ओबेसिटी भी खत्म हो जाएगी, उसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, उसके रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हो गई हैं सारी चीज़ें। ये भी हो गए। ये भी हो गई हैं। आखिरी जो वो है ना लास्ट, हाँ वो अच्छा
अच्छा 80% and 20 का रूल आपने पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, कि हम 80% ऑफ द टाइम मतलब दुनिया में 20% लोग हैं जो 80% लोगों का काम करते हैं, और आपका जो 20% है प्रायोरिटीज रखनी पड़ती है आपको, आपके ऐसे कौन से काम हैं जिसको आपने पहले करना है जिसको बाद में करना है, कौन से ऐसे काम हैं जो मेरा 80% टाइम लेते हैं लेकिन उनका रिजल्ट 20% है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिंग करना, ठीक है, दैट इज द 20% ऑफ द टास्क, इससे 20% प्रोडक्टिविटी आएगी। 80% इज व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, आपका 80% ऑफ द टाइम शुड बी स्पेंड ऑन इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, और 20% आपका बाकी चीजों में लगना चाहिए। हमारा अगर आपका 80% जो है वो ऑफिस में टाइम लग रहा है और प्लानिंग में लग रहा है और 20% आपका क्लाइंट के टाइम उस पर लग रहा है, तो उसमें फिर आप बेसिकली वो आप मिक्स कर रहे होंगे, रिजल्ट्स विल नॉट कम। आपके 20% ऐसे क्लाइंट होंगे जो आपका 80% आपकी टोटल जितना भी प्रीमियम है वो उसमें से 20% से आ रहा होगा, लेकिन आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा होगा वो 80% के ऊपर। उन 80% लोगों को आपने 20% टाइम देना है, और वो जो 20% है उनको 80% टाइम देना है, जिससे आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द 80-20 रूल। बहुत डिटेल में कभी आप कभी यूट्यूब पर जाओ या किसी किताब को पढ़ लें, 80-20 रूल किताब भी है उसको आप पढ़ के देख लें। तो इसमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कैसे प्रायोरिटीज हैं, मस्ट डू। सबसे पहला आप जो अपना डेज प्लान करें कि सबसे ज्यादा अहम काम क्या है जो मैंने करना, जो आपके बगैर कोई भी नहीं कर सकता, जो लाजमी है, शुड डू। इसके बाद अगला काम जो करना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट नाइस टू डू, ठीक है, देन डेलीगेट जो काम आप, फॉर एग्जांपल आप वो काम कोई और भी कर सकते हैं, खुर्रम साहब अगर कोई ऐसा कोई उनके पास जैसे कि यार ये डेलीगेट कर दीजिए काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम क्या समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना ड्राइवर भी छोड़ सकता है, हम ये कहें नहीं मैं अपना टाइम भी बचाऊंगा तो मैं वो 10,000 रुपये उसको नहीं दूंगा। बेसिकली आप वो जो टाइम है उसको कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सब्जी लाना आपका काम नहीं है या मेरा काम नहीं है, मैं मुझे आज तक नहीं पता कि सब्जी के रेट क्या है, आज भी नहीं पता कि टमाटर के रेट क्या है, इट्स नॉट माई जॉब, एनीबडी कैन डू इट, ये कोई भी कर सकता है, ये आके वो वेंडर को मैंने बताया वो आके घर दे जाता है। तो आपने वो डेलीगेट यानी जो काम कोई और कर सकता है उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। चार फोर डीज अप्रोच, डू डेलीगेट डिले, ऐसे कौन से काम है जो आपने करने हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, नंबर थ्री वो कौन से काम है जो डिले हो सकते हैं जिनको अभी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 तारीख चल रही है और आज क्लोजिंग चल रही है तो आज वो आज मैं फॉर एग्जाम्पल अपने लोगों को बिठा के ट्रेनिंग शुरू कर दूँ, इसको आप डिले कर सकते हैं, आप 10 दिन बाद कर सकते हैं, 5 दिन बाद कर सकते हैं। डेवेलप ब्लॉक ऑफ टाइम, 60-90 मिनट्स के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको किसी काम को, कि अगर मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे 90 मिनट्स में ये काम करना है, फिर अगले 60 मिनट मुझे ये काम करना है, तो ये जो 10-12 घंटे हैं जो हमारे सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक या सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक, इनको ब्लॉक में डिवाइड करें और फिर उन ब्लॉक्स के अंदर जो है वो अपना अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। वो कैसे प्रायोरिटाइज करें, क्रिएटिव टास्क, फंक्शनल टास्क, आप हो सकते हैं आपका एक अच्छा एक, हर इंसान की एक क्रिएटिविटी होती है, उसका एक टाइम जोन होता है, आपको उस दौरान 60-90 मिनट में अपनी उस क्रिएटिविटी को ऊपर काम करना है, और सब चीज़ों के लिए टाइम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं नहीं मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, या मुझे अपने दोस्तों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। टाइम हर चीज़ के लिए है, द रीज़न इज वी डू नॉट डिवाइड द ब्लॉक्स, हम टाइम को ब्लॉक्स में कन्वर्ट नहीं करते कि ये मेरा टाइम किस की चीज़ के लिए है, ये मेरा किस चीज़ के लिए है। अदरवाइज पूरी दुनिया में हर बंदे को 24 घंटे मिलते हैं, CEO साहब हैं अगर वो उनको भी 24 घंटे मिलेंगे, अगर कोई टॉप प्रोड्यूसर ने जिसने 10 मिलियन अर्न किया उनके लिए भी 24 घंटे हैं, और जो नॉन प्रोड्यूसर है, ठीक है, जिसको हम अपने KPK में खान प्रोड्यूसर कहते थे, नॉन प्रोड्यूसर जो लोग करते थे, तो उसके लिए भी 24 घंटे होते हैं।
मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट अनब्रोकन टाइम, लंच टाइम इज ऑल्सो अनइंटरप्टेड। एक टाइम ऐसा होता है, रात के वक्त भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, जिसमें आपकी कोई इंटरप्शन ना हो। उस एक टाइम में आपका रिफ्लेक्शन टाइम होता है, जिसमें आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये जो मेरा डे प्लान है, ये जो चीज़ है, वो ऐसे ही हो रही है जैसे मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि हम पूरा महीना, पूरा हफ्ता, पूरा साल प्लान नहीं कर सकते, एक दिन प्लान कर सकते, और उस एक दिन के मुताबिक जो मोमेंट है, वो चीज़ें, वो मैं प्लान कर सकता हूँ। एट ऑल इन योर लाइफ योर सक्सेस विल इंक्रीज 50%। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अगर 9:30 के बजाय ना 9:40 पे आते हैं तो 10 मिनट तो वेट होते, 10 मिनट तो लेट है। आई यूज टू से देम कि 10 मिनट मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, इट बिकम्स हाउ मेनी डेज। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बंदे एक जैसे कैसे बराबर हो सकते हैं, कि जिनका जिनकी ज़िंदगी में टोटल टाइम, इसको कंपाउंड इंडेक्सेशन कहते हैं, कंपाउंडली अगर एक बंदे की ज़िंदगी में इतने दिन ज़्यादा है, हालांकि वो दिन होते नहीं है, उसने सिर्फ 10 मिनट कैलकुलेट ज़्यादा किए और काम किए, अपने उस 10 मिनट को कैलकुलेट करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 50% अपनी हर चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे, ये 2 घंटे एक वीक में ऐड हो जाते हैं। इसको आगे ले लोशन नेक्स्ट हो गया। अच्छा, अब 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है हमें अपने दिन। कोई भी काम आपके 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी है इंपॉर्टेंट, एम क्या है, दूसरा है नॉट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज अर्जेंट।